नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम नक्षत्र। हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। नीलांजलम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि सनेश्वरम शन्यो देवेर रविष्टये आपो भवोद्गीते शन्यो रविश्रवंतुना। जिस प्रकार से शनिदेव, जिसको कहते हैं बहुत ही धीरे धीरे शनय शनय लेकिन बहुत ही सुरुचिपूर्ण और बहुत ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इन सब के साथ साथ आपके जीवन में कालखंड रात्रिमान और दिन रात मान को लगातार चलायमान रखने के लिए शनिदेव की कृपा निश्चित रूप से नितांत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ ये भी जानते हैं हम कि आज इनकी कृपा से और नवग्रहों का किस प्रकार का बल हमको आज का दिन दे रहा है। क्या ये देगा हमको सुख या देगा हमको किंचित मात्र दुख, या अगर कोई है समस्या तो उस समस्या से कैसे हम निपटे और किस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके हम आगे बढ़े, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि आज का पंचांग क्या कह रहा है और जिसमें कौन सा है इसमें राहु काल इत्यादि, या कौन सा है अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने का या शुभ कार्यों को करने का समय। तो इन सब के साथ हम शुरू करते हैं। मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर मुसाकर बस आपके सामने थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि, प्रथम राशि मेष राशि। आज आर्थिक स्थितियां आज आपकी मेष राशि वालों विशेष रूप से मजबूत होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी ये भी रहेगा आज कि आप अपने दोस्तों का, मित्रों का, सहयोगियों का और भी जो आपको बल देते हैं उनका ज़रूर साथ रखेंगे और रखेंगे भी। क्या करना है शुभ कार्य कर लीजिए। उपाय के तौर पे आज आप भगवान से सफ़ेद फूल, सफ़ेद पुष्प आप जरूर चढ़ाएं और इसके साथ साथ स्वयं के पहनने या खाने पीने की वस्तुएँ दान इत्यादि के लिए पीले रंग का चयन बहुत अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना है आज आपको, आज आपको किसी से भी झूठ बोलने से बचना है। ये बहुत बड़ी साधना होती है, यदि करेंगे तो निश्चित रूप से निष्कलंक और निष्पाप बच जाएंगे। पूर्व दिशा यानी ईस्ट अशुभ है। वृषभ राशि की बात करते हैं, दूसरी राशि वृषभ राशि। आपको आपकी वाणी ही आज थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकती है, थोड़ा तेज आवाज आपको आज, और ये सब संकेत दिए जाते हैं, अगर इसको मान लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा जाता है दिन। निवेश भी सावधानी पूर्वक करें। क्या करना चाहिए आज आपको, शुभ कार्य कर लीजिए। अपने पिता, पिता तुल्य व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद लेना आज आपको बहुत अच्छा रहेगा। लाल रंग भी शुभ है, लेकिन क्या नहीं करना, यदि स्वयं से वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन या भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़रा संभल के आज चले, लापरवाही ना करें। दक्षिण दिशा यानी साउथ आज आपके लिए थोड़ा सा अशुभ परिणाम ला रही है। अशुभ का मतलब निष्फल हो सकते हैं उधर के किए हुए कार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि वालों बड़े फैसलों से, बिग फैसले यानी बड़े जो डिसीजंस लेने हैं इससे और इसमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी का आज आप साथ दें भी और उससे साथ लें भी। क्या करना चाहिए आज आपको, शुभ कार्य कर लीजिए। मिथुन राशि वालों बुध की राशि है, पानी में, जल में, गंगा जल आप जरूर डाल दें और फिर आप स्नान इत्यादि नहीं तो आचमन इत्यादि कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, मिथुन राशि वालों सावधान ये रहिए कि आज वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो लेकिन उतावलेपन से बढ़ा न दीजिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन वैसे तो शुभ रहेगा लेकिन आज थोड़ा सा आप बेवजह किसी चीज़ में आप लिख या बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे यदि हैं तो ज़रूर सावधान हो जाइए। कर्क राशि वालों क्या करना चाहिए आज आपको, हनुमान जी को आज आपको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा इत्यादि करें तो बहुत आनंद आएगा, अच्छी बात है। क्या नहीं करना है कर्क राशि वालों को, कर्क राशि वालों को किसी दूसरे के किए हुए काम का आज आपको श्रेय लेने से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पूर्व दिशा अशुभ है यानी ईस्ट से थोड़ा सा सावधानी रखिए। बात करते हैं सिंह राशि की, पांचवी राशि। व्यर्थ में आज आपके धन खर्च के योग दिख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी पॉकेट को, अपने बजट को जरूर बना रखिए क्योंकि आज बजट का दिन भी है। कारोबार में निवेश आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। क्या करना चाहिए आज, माता लक्ष्मी को कमल का फूल पुष्प चढ़ाएं, कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध इस प्रकार से बोल सकते हैं।
नारंगी रंग भी आज आपके लिए शुभता का संचार लेके आता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा आज वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए आज यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन लंबी यात्रा आज करने से बचना चाहिए। पूर्व दिशा अशुभ। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, बुध की राशि है, कारोबार से जुड़े हैं यदि आप, तो बड़े निवेश से यानी बिग इन्वेस्टमेंट आपका यदि आप करना चाह रहे हैं तो उससे लाभ जरूर होगा, लेकिन उसको स्टॉक में ना लगाएं, किसी अन्य बड़ी चीज में लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए आज आपको कन्या राशि वालों? कन्या राशि वालों को आज शिवलिंग पर जल इत्यादि चढ़ाना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और इसके साथ साथ सफ़ेद रंग भी आज आपके लिए शुभ है। क्या नहीं करना है आज? आज कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बुध का गोचर, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं, उनका छठे भाव पे आ गया है, इसका ध्यान रखें। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, स्वास्थ्य में आज आपको लापरवाही हो सकती है, खान पान में कुछ बदलाव आ सकता है, विशेष रूप से कुछ मादक पदार्थ इत्यादि से भी तनाव हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये रहेगी कि आज पुराने सहयोगियों से, पुराने मित्रों से या पुराने प्रतिष्ठान से संबंधित जुड़े हुए लोगों से भेंट हो सकती है। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आप माता रानी को यानी दुर्गा माता को, माता पार्वती को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, लाल रंग की चुनरी बहुत ही शुभ रहने वाला है। क्या नहीं करना है? तुला राशि वालों को आज का प्रभाव ये मिल रहा है कि आज थोड़ा सा दक्षिण दिशा यानी साउथ की तरफ, ये दिशा का बड़ा महत्व रहता है, दशा बदल सकती है यदि दिशा का सही उपयोग किया जाए। ऑफिस में भी, कार्य क्षेत्र में भी विवादों की स्थितियां यदि उत्पन्न होती हैं तो उनको तुरंत क्षय करिए, बंद करिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, बदलाव का एक दौर लगातार आज आपके साथ चल रहा है, आगे भी चल सकता है, लेकिन इसमें बात है छोटी सी लेकिन सांकेतिक होती है, वाद विवाद से बचे, यानी किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप इत्यादि मिटाने की चेष्टा करें। क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को? वृश्चिक राशि वालों को आज माता कालिका के मंदिर में नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आज का नारंगी रंग शुभ है, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकता है और आपको निश्चित रूप से सुखों की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों, आज लंबे समय के लिए अगर प्रवास करने की या बात कर रहे हैं, यात्रा तो हो सकती है लेकिन प्रवास लंबे समय का आज कम से कम करने का प्लान इत्यादि ना बनाए। उत्तर दिशा थोड़ा सा आज आपको नुकसान दे सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, जीवन साथी का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी सांकेतिक शब्द है, यानी आज आपको मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, और यदि आज की हुई यात्रा कोई है या किसी प्रकार से मेल मुलाकात, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इत्यादि, सेमिनार इत्यादि है तो वो भी आज आपको लाभदायक सिद्ध होती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए आज आपको? माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और माता तुल्य पिता तुल्य व्यक्तियों का, बड़ों का भी आशीर्वाद आया, चार चार लगाएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और उसके साथ भूरा रंग भी आज आपके लिए शुभ है। क्या नहीं करना चाहिए आज आपको? विशेष रूप से ध्यान रखना है सफेद रंग के कपड़े यानी व्हाइट कलर, इसके वस्त्र इत्यादि दान इत्यादि दे सकते हैं, लेकिन पहनने से आज आप बचें क्योंकि इस कलर का आज आपके ऊपर थेरेपी सूट नहीं करेगी। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, मकर राशि वालों, नए विचार आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जो भी पुराना कार्य कर रहे थे उसको नए प्रकार से करने और नए प्रकार से ढलने से ही कुछ कार्य आगे बढ़ जाएंगे। क्या करना चाहिए? शनि देव के मंदिर में आपको काले तिल का दान करना है, काले तिल से बनी हुई वस्तुओं का भी आज आप दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन ध्यान रहे किसी भी प्रतियोगिता में, कॉम्पिटिशन में या किसी भी कार में ऐसे जिसमें कंपटीशन हो सकता हो उससे थोड़ा सा बचने की आज कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, वाणी पर अपने संयम रखें, वाणी पे ही आज आपको संयम रख के सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा भी थोड़ी सी अवॉइड करें। गणेश जी को पीली मिठाई का भोग लगाना आज, और इसके साथ साथ दूर्वांकुर ये भी आप चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भी आज कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और सिद्धता देने वाला हो सकता है, लेकिन कुंभ राशि वालों को जरूर ध्यान रखना है, आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं बातचीत हो सकती है लेकिन व्यर्थ की बातों पर आज
आपको ध्यान देने से बचना है, तनाव से बचने का ही कार्य और अपने कार्यों को सिद्ध करने का ही कार्य ज्योतिष का प्रभाव देता है। पूर्व दिशा आज आपके लिए अशुभ। मीन राशि, अंतिम राशि बात करते हैं, परिवार का आज आपको साथ मिलेगा और इसके साथ साथ धन आगमन के संकेत मिलेंगे, यानी कि आज आपके व्यय और आय दोनों ही संतुलित रहते हुए देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी उस एंगल पे और उस कारण से चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, शुभ कार्य कर लीजिए, जरूरतमंद को अन्न का दान करें, लगातार करें, बहुत अच्छा रहेगा। दान करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लाल रंग आज आपके लिए शुभ का संचार दे रहा है। मीन राशि वालों को जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि आज इस प्रकार से प्रभाव आप यदि लेते हैं तो सहयोग लेना और सहयोग देना, ये दोनों बातों का भी आज विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नहीं करें, किसी भी निजी कंपनी में निवेश इत्यादि करना या निजी कार्यों में किसी के निवेश करने से आप थोड़ा सा आज बचे, आगे कर सकते हैं। उत्तर दिशा आज आपके लिए शुभ है। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां किस प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, ये हमारी चेष्टा रहती है। आपका दिन शुभ हो। तो गुरु जी, आपने राशियों के बारे में विस्तार से बताया, अब आज का पंचांग क्या कहता है, आज के पंचांग का क्या हाल, वो भी दर्शकों तक समझाइए और पहुंचाइए। दिनांक 1 फरवरी 2020, सप्तमी तिथि का मान लगा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र माघ मास शुक्ल पक्ष राहु काल आज 9:52 से 11:13 तक और शुभ समय 12:13 से 12:56 तक सिद्ध है। तो पंचांग में आज क्या कुछ खास है, गुरुजी ने हमें विस्तार से बताया। अब वक्त हो चला है गुरुजी का फोन नंबर जानने का। फोन नंबर नोट कर लीजिए फटाफट, 8004036524। तो फोन नंबर है जिसके माध्यम से आप गुरुजी से सीधे संपर्क करिए, अपनी हर समस्या का निस्तारण पाइए और गुरुजी ने विस्तार से बताया कि आज का पंचांग कैसा है, राशि कैसी, तो उसी पर अमल करिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, दर्शकों तक अहम जानकारी आपने पहुंचाई। आप बड़ी खबरों के साथ बने रहिए भारत समाचार के साथ।